नाइन्थ क्लास हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है तो आज जो इम्पोर्टेंट हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स आप देख सकते हैं ये जो नोट मेरे सामने है मैं इसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं क्या करूँगा कि पी फाइल इसी नोट की आपको सेंड करूँगा आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और अपनी कापी पर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो रिलेशनशिप क्या होगी मोमेंटम और फोर्स के बीच में जैसे हमने पहले रिलेशनशिप देखते हैं हम पहले चैप्टर में या तो फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ मास ये जो एम है ये मास को डिनोट करता है एम से फॉर टाइम टी टाइम जैसे पहले हमें पता है टी को हम डिनोट टी जो है ये टाइम को डिनोट करता है V हो गया फाइनल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू तो आप लोग परेशान नहीं होना फोर्स नीचे इसने एफ लिखा ये हुआ ये फोर्स को डिनोट ए इसको आप दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन नंबर पहला लगा देंगे फिर उसके बाद लिखेंगे बट इज इक्वल टू चेंज इन विस्टी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है चेंज इन विस्टी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन वही हम नीचे लिखेंगे हुआ, velocity, taken, यहां पे हम लिख दीजिए इसको सेकेंड उसके बाद फ्राम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सी इक्वेशन ये वाली पहली और दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिलता है फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी दो इंटू फाइनल इनशियल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन विच इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी ये वाला एम और ये वाला वी एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू

इंशियल मोमेंटम रिस्पेक्टिवली फाइनल फाइनल वैसे ही हम इसको कहेंगे फाइनल uh, और इनिशियल मोमेंटम भी देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम टाइम टेकन विच इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे अब ये आपको पीडीएफ फाइल की शक्ल में भी मिल जाएगा थैंक यू